बजर राम राम नमस्कार। आपको बता दें मौजूद है वार्ड नंबर 51 सिविल लाइन, वार्ड नंबर 51 सिविल लाइन से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टिकट सौंपने का काम किया विशाल ठाकुर को। विशाल ठाकुर वो चेहरा है, आपको बता दें पिछली बार मात्र कम ही वोटों से हार का सामना करना पड़ा था, बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ा था। इस बार सीधे सीधे जो वर्तमान सभासद रह चुके हैं विशाल खत्री को सीधे सीधे दावेदारी ठोकर है उनको, ऊपर एक पे दो चुनाव कुल मिला के जावर क्या सकता अपने, क्योंकि अच्छो खासो जब वार्ड के अंदर सिर्फ ओनली दो प्रत्याशी हैं, सिर्फ विशाल ठाकुर, दूसरे विकास खत्री, तीसरा कोई चेहरा नहीं है सिविल लाइन वार्ड नंबर 51 के अंदर। जानते हैं विशाल जी से कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जिम्मेवारी सौंपी है तो कौन से मुद्दों को लेकर चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। विशाल जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, मैं विशाल ठाकुर वार्ड नंबर 51 से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और जनता इस बार क्षेत्र में परिवर्तन चाह रही है, क्योंकि जनता ही जो है अपने मतदान की शक्ति से परिवर्तन कर सकती है और जनता का आशीर्वाद रहा तो इस बार परिवर्तन होगा, बहुत अच्छे वोटों से जीत होगी भारतीय जनता पार्टी। विशाल जी क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेवारी सौंपी है, टिकट दिया है आपको, तो सिर्फ दो ही कैंडिडेट हैं आपका भाई साहब यहाँ पे? तो क्या है कि जो पिछली बार भी थे तो चार प्रत्याशी थे, पर इस बार सपा बीएसपी चुनाव नहीं लड़ रही है, यहाँ पे सीधी सीधी फाइट भाजपा और कांग्रेस की है और इस बार भाजपा प्रचंड बहुमत पर प्रचंड वोटों के साथ विजय होगी। क्या लगता है कैसा इलाका है सिविल लाइन आपके बारे? सिविल लाइन पूरा ये तो भाजपा का गढ़ी माना जाता है सिविल लाइन जो है, और इस बार जनता ने मूड बना दिया, बदलाव का मूड बना दिया, तो आप इस बार अच्छी फाइट करोगे? बिल्कुल, विजय से विजय श्री होंगे जनता के आशीर्वाद से प्यार से। आप दे समर्थन, हम करेंगे परिवर्तन, इसके साथ हम लोग लक्ष्य के साथ वार्ड में विकास के जो भी कार्य और भी होना है वो फुल तरह से लक्ष्य के साथ हम लोग काम बहुत तगड़ी अच्छे तरीके से करेंगे। और सभी मतदाताओं से मेरा अपील है, आग्रह है कि एक बार अपने छोटे भाई बेटे को पेटी में इतना वोट आ जाए जिससे कि सिविल लाइन का विकास और तेजाई से आगे बढ़े। भारत माता की जय। अंत में क्या आशीर्वाद लेना चाहोगे भारतीय जनता से जो आपको चुने? मेरी तो जनता से सिविल लाइन जनता से यही अपील है कि अधिक मात्रा में मतदान करें, क्योंकि यहाँ पे मतदान प्रतिशत कुछ कम रहता है, इस बार जनता से अपील करी जाएगी विशेष कि यहाँ पे मतदान ज्यादा ज्यादा करें जिससे भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिले। सबसे बड़ी बात देखने को आ रही है वार्ड नंबर 51 के अंदर मतदान करने के लिए यहाँ के लोग बाग बहुत कम निकलते हैं, और इस बार प्रयास रहेगा विशाल जी का कि आखिरकार अधिक से अधिक लोग मतदान करने पहुंचे और अच्छा व्यक्ति यहाँ से सभासद बनाने का काम करें। तो दो पे दो चुनाव है, मात्र दो ही प्रत्याशी इस बार नंबर 51 से देखने को नजर आ रहे हैं जो कि विशाल ठाकुर हैं, दूसरे विकास खत्री जी हैं। अब जानने वाली बात है कि आखिरकार वार्ड नंबर 51 से पार्षद की गद्दी पर किसको जनता बिठाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।